तो हेलो गाइस, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग यो मेरे जिगर के छल्लू, कैसे आप सब? और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मजेदार चीजों से दिखाता हूँ आज। तो अभी कुछ ऐसा माहौल है, शांति का माहौल है, सब सो रहे हैं, बहन जी खाना खा रही हैं। बढ़िया, शादी कैसी रही? मस्त, मेरे को तो बढ़िया लगी। तो बाकी ये दीदी राहुल है भाई। भाई नींद होगी पूरी भाई? चलो भाई, सारे थके हुए ना भाई। तो भाई अभी अपन अपने डॉग्स घुमा रहे हैं, ये रहा डॉलर और ये रही रूबी। रूबी और इनको दिखाते हैं बंदर। बंदर भगा भाई, डॉलर बंदर भगा, देख ऊपर ऊपर देख, ऊपर देख, देख बंदर, देख ये खुद बंदर सा लग रहा है और ये देखो दोनों सेम से ही लग रहे हैं। अभी इसने कर ली है पॉटी और ये अभी ना पॉटी करके मिट्टी डालता है अपनी पॉटी पे, गंदगी छुपाते हैं, ये हर डॉग का सीन है। ये देखो देखो ए तेरी छुपा दी मिट्टी। तो भाई घर में तो सारी बातें बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है, और मैं हो रहा हूँ बोर। भाई अभी अपन आ गए थे कुछ खाने यहाँ गाँव में, आ जाओ दिखाता हूँ। हाँ भाई, खाना रे बेड़ी खा रहे हैं डेली है। वैसे ना ये वाली जो खस्ते है ना, ये क्रिस्पी नहीं है। क्रिस्पी नहीं है, इससे भी क्रिस्पी चाहिए तेरे को है, फ्रेंच फ्राइज थोड़ी है भाई। तो भाई खाली बेड़ी है, देखो ये होती है बेड़ी और आलू की सब्जी और रायता वायता। सुमस खा लिया भाई, पहले खाया अपन ने, फिर आया। आ जा भाई, रबड़ी खाया? तो भाई हमारा 3 दिन से डेली का रूटीन है, अब ये खा रहे हैं रबड़ी, क्योंकि भाई दिल्ली में जो चीज़ें नहीं मिलती, मैं क्या जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, जगह एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ ना अलग अलग खाना जो है ना झिक्के खाता हूँ, सुबह दिन शाम झिक्के भर रहे हो, तो ये चीज़ है। तो भाई मैंने पहली बार देखी है नंगे बाबाओं की रैली, आपको दिखाता हूँ साइड से। भाई बड़ी सही चीज़ है भाई, ये देखो भाई कितने लोग मान्यता है भाई, और कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं रैली में, दिखाता हूँ। तो भाई अभी अपन रुके थे, तो भाई रिएक्शन मैं कह रहा हूँ भाई को, ये पल्सर है और बॉडी किट लगा रखी है, मान ही नहीं भाई, क्या बोलते नहीं है पल्सर? कौन सी बाइक है? तो पूछ क्यों रहा है? सिंपल पता है तो पूछ क्यों रहा है भाई? क्या सीन है भाई? है जैनी बाबा है। जैनी बाबा है? हाँ। तो ये कहाँ से आते हैं भाई? ये देखो भाई, भाई पूरी पुलिस फोर्स साथ चल रही है भाई इनकी, भाई पुलिस वुलिस साथ रहती है इनके। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये कौन है, ये पूरा पढ़ लेना भाई। पदवीर यात्रा जा रही है पूरी इनकी बाबा होगी। हाँ भाई, रेस देखनी है? कैसे करती है पहले एक बार बता। आ जाओ पीछे, आ जाओ एक बंदा, तू भाई मोबाइल से वीडियो बना, अब इनको सुनाते हैं। पीछे आ जाओ, पीछे बाइक के पीछे आ जाओ, ठीक है भाई। कलर की फैक्ट्री में, और मैं आपको दिखा के लाऊं, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था आपके लिए दिखाऊं कि कलर होली के कलर कैसे बनते हैं, और हम जब खेलते हैं ना भाई तो उसका क्या प्रोसेस होता है कलर ना यहाँ तक आने का। तो अभी चलते हैं फैक्ट्री। तो भाई अभी अपन उड़ाए थे ड्रोन और ये सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और भाई एक एक भसड़ हो गई है। ये मेरी जो ड्रोन की बैटरी है ना भाई, ये फूल चुकी है, ये देखो, और इसमें क्रैक पड़ गए हैं, ये देखो, कभी भी फट सकती है, बूम। तो भाई ये देखो कितने भयंकर क्रैक पड़ गए, और ये फूल रही है, तो इसको निकाल के रख दूंगा, इसके साथ फट गई तो ड्रोन मेरा कम हो जाएगा, महंगी चपत लग जाए अभी का ना। तो भाई बच्चों कौन सी बाइक है? हायाबुसा, एक लौती सुपर बाइक है जिसको हर कोई जानता है भाई। आ जाओ इधर आओ, तो मैं आवाज सुनाऊंगा, यही खड़े रहना, ठीक है, इधर से। हाँ फिलहाल अपन आ गए हैं एक कलर की फैक्ट्री पे, और ये यहाँ के मालिक हैं, ये बताएंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो क्या क्या बनाते हो इस फैक्ट्री में भाई आप? रंग और गुलाल। रंग और गुलाल बनता है, कब से बना रहे हो? 1963 से। जब खेलते थे होली लोग? अरे गजब यार, तो किस कौन सी ब्रांड है आपकी? नीलकंठ। नील, अच्छा नीलकंठ तुम्हारी है क्या? हाँ जी। अरे बहुत लगाया भाई दिल्ली में मैंने, तो माल कहाँ कहाँ जाता है आपका? माल ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया जाता है। तो भाई ये नीलकंठ की फैक्ट्री है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कलर्स की फैक्ट्री है, बट नीलकंठ सबसे अच्छा लगा मेरे को, तो इसका रिव्यू करते हैं। आ जाओ, तो मेरे व्यूअर्स को ये समझाओ कि बेसिक कहाँ से माल आता है और कलर कैसे बनता है। आ जाओ स्टार्टिंग से दिखाते हैं। आ जाओ पहले गुलाल करेंगे या रंग? गुलाल। गुलाल आ जाओ भाई, देखो भाई पूरी बन रही है यहाँ पे, पूरा गुलाल ही गुलाल है। आ जाओ, गुलाल में जो यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है स्टार्च।
अच्छा स्टार्च। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, गुजरात अंबुजा और ये सब बनाती है कंपनी। अच्छा अच्छा, तो इसका प्रोसेस किया जाता है। तो ये स्टार्च पहले आप मंगाते हो? मंगाते हैं गुजरात अंबुजा से और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। चलो जी, फिर आगे जो कॉर्न होता है उसका बनाया जाता है। अच्छा, कॉर्न भुट्टे का? भुट्टे का, उसको पीस के बनाया जाता है। चलो फिर तो ऑर्गेनिक हुआ ये मामला। उसके बाद मशीनों में डाला जाता है। अच्छा, जिसके अंदर कलर यूज किए जाते हैं, पिगमेंट कलर। अच्छा, पिगमेंट कलर और खाने वाले कलर। अच्छा अच्छा, और इसको आप प्रोसेस करके उस पर रंग चढ़ाया जाता है मशीन। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये ऐसे बढ़ जाता है बोरी में। इसको बोरी में भर देते हैं। देखो भाई, पूरा बोरी में भरे जा रहा है। और ये स्टार्च इसमें डाला हुआ है? स्टार्च में डाला हुआ है। और रंग मिल रहा है? रंग मिल रहा है। और ये बन गया गुलाल? गुलाल बन गया जी। अभी इसके बाद जब सूखने जाएगा पड़ के ऊपर। अच्छा, तो सूख रहा ऊपर? हाँ, ऊपर भी सूख रहा होगा या वहाँ भी फड़ता भी गया होगा। अच्छा, जो फिर सूखता है, फिर ये बस बन गया है? होती है। अच्छा, तो यहाँ पे सुखाया जाता है? सुखाया जाता है, क्योंकि रंग लगने बाद गीला हो जाता है क्या कलर? है? रंग गीला हो जाता है, रंग पानी मिलाया जाता है उसका। अच्छा अच्छा, इस तरीके से माल सुखाया जाता है। अच्छा, ये भी, ये क्या है? ये भी यही है। अच्छा, ये काले रंग का है क्या? काले रंग का सूख रहा अभी। तो कितने घंटे में सूखता है ये? सूखता है डे लाइट के अंदर 8 घंटे के अंदर। 8 घंटे में? तो एक दिन में कितना माल बना लेते हो गुलाल का? एक दिन में हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10 टन का है। तो अलग अलग कलर या एक ही? अलग अलग कलर। अलग अलग कलर। अच्छा, हर कलर का अलग सेक्शन। मेन कितने कलर में डील कर रहे हो आप? 11 कलर बनते हैं। 11। माल सूखने के बाद यहाँ आता है भाई? यहाँ पे आके इसकी पिसाई होती है पल्प वायर से। हाँ, क्योंकि ये देखो, ये खुरदरे खुरदरे से हो जाते हैं, ये देख रहे हो? पानी की वजह से खुरदरे खुरदरे हो गए। हाँ, ये सूख के अब इसकी पिसाई होगी। आ जाओ, ये देखो, ये भाई पिसाई कर रहे हैं। आ जाओ, माल यहाँ से बटोर के इसमें डाल रहे हैं। ये माल डल रहा है और ये यहाँ से मशीन से पिसेगा, इसमें आ जाएगा। दिखाना ये माल, रेडी माल है? रेडी माल है। ये देखो भाई, ऐसा फिर एकदम स्मूथ हो जाएगा, देख रहे हो कितना स्मूथ हो चुका है। चलो जी, बढ़िया। ऐसे करके यहाँ पैक हो जाती है फिर? 10 किलो भी होती है, 10 किलो हो रहा है। ये देखो नीलकंठ लिखा हुआ है, ये 10 किलो, 25 किलो हो रहा है। 5 किलो की पैकिंग चल रही है भाई। ये देखो, अब ये छोटे छोटे पाउचों में पैक हो रहा है, जो जाएगा दिल्ली विल्ली साइड। 40 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, जैसी कस्टमर की डिमांड है। मशीन है तो तुमने जर्मनी वर्मनी से मंगाई होंगी? नहीं, सब मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया। अच्छा, तो यहाँ से कलर जाता है, वो बोरी से डाल रहा है? ये डाला बोरी से, धपड़ धपड़ पीसेगा और यहाँ से जाते हुए वहाँ से पैक होके आ जाएगा। ये पूरी पैकिंग मशीन है भाई, ये देखो यहाँ से ये पूरा ऐसे पैक हो रहा है भाई। कार्टन में पैक किया जाता है। अच्छा, कार्टन में पैक हो जाते हैं फिर ये, और फिर ये डिलीवर हो जाते हैं। तो ये रंग का प्रोसेस था, गुलाल का प्रोसेस था। अच्छा, गुलाल का, गुलाब। तो आ जाओ, अब रंग के में चलते। आ जाओ, तो भाई अब रंग की बारी है। रंग कैसे बनता है यहाँ पे? आ जाओ, डस्ट हो जाता है, बड़ी कंपनी होगा ये भी, जो हम ग्लूकोज पाउडर खाते हैं वो चीज होती है ये। अच्छा अच्छा, मैदा होती है, डस्ट होता है, इस तरह का ये वो आता है बड़ी कंपनियों का। अच्छा, इसको तो हम इसमें डालते हैं। तो ये तो फीका, इसमें तो कलर आता नहीं होगा डस्ट्रो में? नहीं आ जाता है ना, उसी का बनना है। अच्छा अच्छा, बोरी फाड़ के? बोरी फाड़ के इसके अंदर डाला जाता है और फिर इसके अंदर से माल स्पिट डालकर रंग डाल के बाहर निकाल लिया जाता है। अच्छा, रंग डाल के इसी में मिक्स होता है, जैसे सीमेंट होता है? जैसे सीमेंट होता है। हाँ, फिर ये निकाल लेते हैं, फिर ये ऐसे फैला लेते हैं। ये सूख जाएगा? हाँ, ये सूख, इसके अंदर स्पिट होती है तो पानी नहीं होता। सूख सूखने में कितनी देर लगती है उसको? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद वही पैकिंग होने आता है। कलर का तो बहुत सिंपल प्रोसेस है यार। एक सिंपल प्रोसेस है, पैकिंग बहुत होती है। यहाँ पे भी ये चल रही है प्लास्टिक। अच्छा अच्छा, दिखाओ भाई, ये प्लास्टिक की पैकिंग चल रही है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे डब्बों में भर दिया जाएगा। तो एक ही कलर आता है कि गुलाब? नहीं, 2-3 कलर आते हैं इसमें, 4 कलर, गुलाबी, हरा, वॉयलेट और ब्लैक। अच्छा अच्छा, तो ये जो कलर डालते हो उसी कलर का रंग बन जाता है? और वो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कलर होता है जो छूटता नहीं है, वो क्या है, बवाल क्या होता है वो? नहीं, वो कोई बवाल नहीं होता, ऐसा कोई कलर नहीं होता, छूटे, बस वो अफवाह है। ठीक है, तो ये एक ही कलर होता है माना। तो अभी पैकिंग चल रही है, देखो भाई यहाँ भी ये डब्बिया ऐसे, ये भी पैकिंग मशीन है? ये पैकिंग मशीन, ये हाँ रैपर लगाते हैं, ये देखो वो गर्म हो गया, चिपक जाएगा, डब्बा बन जाएगा कुछ ऐसा। ये देखो कलश, इसमें पैक हो जाएगा। तो एक डिब्बी अपन लेके जा रहे हैं, लगा के देखूंगा घर में। यहाँ पे बड़ी डिब्बिया पैक हो रही है? आयरन डिब्बी पैक होती है, लोहे की डिब्बी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बचपन में खेला करता था बहुत। दिखाना भाई लोहे की डिब्बी, दिखाना है पान पराग जैसे। ये लोहे की डिब्बी है भाई, ये नीलकंठ, इसमें कौन सा रंग है? सिल्वर। तो ये भी एक ले जाता हूँ भाई, खाना अभी चेक करेंगे घर जाके। तो इन्होंने चलाई है मशीन, ये डिब्बी पैक करनी मशीन है। ये देखो ये कैसे पैक होती है, जैसे खाली डिब्बी आती है। हाँ, ये देखो भाई, यही खाली डिब्बी, ढक्कन लगा हुआ आता है ऊपर, इसमें इसमें माल भरते हैं पहले, इसको ऐसे लगा के। अच्छा, करने एक और बारी, और ये ढक्कन लगाया, और अब देखना गौर से। वाह भाई वाह, क्या पैकिंग हुई है। तो ये एकदम फिनिशिंग देखो भाई इसकी, ये भी मेड इन इंडिया मशीन है, सब मेड इन इंडिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पैक होती है, सही पैकिंग मटेरियल है इसमें, लोहे की डिब्बी पैक होगी। तो एक उसमें मेरे ख्याल से 10 होंगी। हाँ, 10 डिब्बी।
ये देखो ये बड़ी छोटी ये वो तो, हर तरह की पैकिंग आती है। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पे आप मतलब नेगा माल देते होगे, एक डिब्बी मान लो, डिब्बी की कॉस्टिंग कितने की पड़ती होगी? वेरियस क्वालिटी है इसके अंदर, अच्छा। जो 3 रुपए शुरू होकर अलग अलग 15 रुपए तक जाती है डिब्बी की। अब मान लो अगर 15 रुपए की आपसे खरीद के ले गया बंदा, मार्केट में कितने रुपए की बेचता है? कम से कम 60 रुपए की रिटेल के अंदर, 60 से 70 रुपए की। अरे वाह भाई वाह, इतना प्रॉफिट है, गजब भाई, बहुत ही बढ़िया। ये है भाई कलर, यहाँ से बन के जाता है 3 से लेकर 15 रुपए तक, और बाहर 50-60, और होली वाले दिन तो अति महंगा हो जाता है ना। हाँ जी हाँ जी, वो चीज है। और है कुछ सौदा? सारी दिखा दी मैंने पूरा, बस चलो आ जाओ। मशीन है, काई की मशीन है, ये भी गुलाल बना दी इसको, ये भी गुलाल के अंदर, ये टेलकम पाउडर का गुलाल है जो हर्बल के अंदर बिकता है। अच्छा, इसको इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर खाने वाले कलर यूज किए जाते हैं। हाँ, तो इसमें ये ऑर्गेनिक माना जाता है, ऑर्गेनिक माना। तो इसमें और जो पहले आपने दिखा उसमें फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता दोनों में, वो स्टार्च के ऊपर होता है, ये टेलकम के ऊपर होता है, वो अरारोट है, ये टेलकम पाउडर है जो लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो फिर मतलब पसीने भी नहीं आने देगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, तो ये देखो भाई, तो ये टेलकम कहाँ से मंगाते हो बल्कि? ये टेलकम बल्कि आता है, गोल्ड चैनल की कंपनी है उसके आता है। अच्छा अच्छा, ये सीन है। तो अभी खोल के दिखा रहे हैं मशीन क्या है भाई इसके अंदर, ये देखो। अच्छा, ये जो गुलाल ऊपर से जो छत से सूख के आया है इसमें पिस रहा है? नहीं, इसमें पिसा नहीं है, वो गुलाल स्टार्च का है। हाँ, उसको सुखाना पड़ता है, जो टेलकम का है इसके अंदर सुखाना नहीं पड़ता। तो ये सीधा कट्टा आता है, इसमें कलर डाला, मिक्स होके निकल गया, तो एक ही मशीन से काम हो जाता है? अच्छा, ये मतलब वैसे तीन है लेकिन प्रोसेस एक ही है इसका, कि सीधा कलर डाला, कोई सुखाने की जरूरत नहीं। तो ये देखो भाई, इसमें एक टेलकम डाला, कलर डाला, कलर कहाँ से डालते हो? ऊपर से ही है भाई, ऐसे ऐसे घूमेगी, मिक्स कर देगी और यहाँ से निकल आएगा, ये हर्बल वाला गुलाल है भाई। तो अभी कलर दिखाते हैं जिससे जो पाउडर में डालते हैं और वो निकल आता है भाई। तो ये पिगमेंट टाइप के कलर आते हैं, तो पूरे में एक बोरी डल जाती है? हाँ, एक बोरी एक लॉट का। एक लॉट कितने क्विंटल का? 300 किलो का। तो ये ऐसे करके, ये पिंक कलर का है मेरे ख्याल से, पिंक कलर का है, तो ये डल जाती है और ये निकल रहा है, ऐसे कलर का निकलेगा। तो ये हर्बल गुलाल कितने रंग में बना लेते हो? हर्बल गुलाल 6 कलर में बनता है, 6 कलर में बनता है। तो भाई ये देखो भाई, ऐसे करके आई हर्बल। तो इसकी मोटाई और थिकनेस में फर्क है उस वाले और इस वाले गुलाल में? वो ज्यादा महीन होता है। अच्छा, और ये ज्यादा थोड़ा मोटा सा होता है? मोटा होता है, बस यही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। और खुशबू किस में ज्यादा होती है? खुशबू दोनों बराबर होती है, दोनों ही। तो भाई अच्छा, ये चीज है भाई। अब एक वो मशीन है जो कट कट घूमे जा रही है, चक्की है, इसमें क्या बन रहा है? इसके अंदर मीडियम रेंज का माल बनता है। अच्छा, टेराप्लाइट पाउडर आता है, उसको बनाया जाता है पहले मशीनों के द्वारा, और उसको उसके द्वारा पीसा जाता है। आटा चक्की इधर है, आटा चक्की। तो ये बना बनाया पाउडर होता है? ये बना बनाया नहीं आता, इसको ही बनाते हैं मशीन में। तो ये कौन से, जैसे वो स्टार्च था, ये टेलकम था, ये टेराप्लाइट पाउडर आता है। अच्छा, ये सस्ता होता हुआ थोड़ा होता। तो इसका कैसा महीन दाना होता है, कैसा बनने के बाद? ये भी चिकना ही होता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग ज्यादा महंगी नहीं होती, कॉस्टिंग कम होती है, कम होती है। तो ये देखो भाई, ये थोड़ा मोटा सा है थोड़ा भाई। तो ये है चक्की में पिस के कलर डाल के ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही बन गया भाई है। ये सीधा मशीन में डाला, पिस के आ गया, हो गया, ठीक है। तो ये है, तो ये ऑलमोस्ट सारी मशीन हमने दिखा दी है। ये देखो कितना पाउडर निकल रहा है भाई, एक दिन में कितने डब्बे बना लेते हो भाई साहब? 2000, गजब। तो भाई एक दिन में कितने डब्बे बना लेते हो ऐसे? 16000 भाई, गजब। वो रंग भर रहा है और ये ढक्कन लगा रहा है ना, समझ गया समझ गया। भाई ये था पूरा फैक्ट्री टूर, और भाई ने हमें कुछ सैंपल दिए हैं कि यूज करके देखना कलर कैसे है। तो अभी काना ने तो भाई माल बटोर लिया है भाई, पक्का। तो घर जाके खेले होली, फ्री का माल है ना, फ्री का माल। नॉटी बॉय, तभी चलते हैं।
और किसी को लेना तो भाई नीलकंठ कंपनी का माल लेना, क्योंकि मैंने आपको इनकी पूरी फैक्ट्री दिखाई कितना नीट एंड क्लीन तरीके से एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करके माल बनाया जाता है कि नहीं? हाँ जी, पूरे मेजरमेंट का ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। ये तो है। और कितनी पुरानी अपनी कंपनी? 1963 से ये कंपनी है और 12 महीने चलता रहता है। तो भाई सारे बंदे आ गए अपने, और चलो आ जाओ देखते हैं भाई होली खेलता है, स्टैश चेक करते हैं भाई स्टैश कैसा है। तो अभी हो रहा है भाई सनसेट और ये हमारे पास है सारा स्टैश। तो भाई सीन ऐसा है, हमारे पास जो कलर है ये गुलाल है कुछ, ये देखो नीलकंठ गोल्ड ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, और ये सुमन रंग है और ये भी रंग है भाई। आ जाओ भाई रंगी रंग से खेलते हैं। भाई पहले ये वाला कलर देखते हैं, ये सुमो सुमो कलर है। आ जाओ भाई ये देखो भाई कैसा रंग है भाई। अभी और वीडियो बनाएंगे भाई। ये देखो ये हमारा सब्सक्राइबर है, पूरा मेकअप होने, पूरा मेकअप डन होने, मुंह धो ले अपना, नहीं तो घर वाले पहचान लेंगे। अब ये वाला चेक करते हैं कैसा। तो भाई अभी अपन ने खोला है नीलकंठ ब्रांड का ये लोहे वाली डिब्बी, और इसमें कुछ ऐसा निकला भाई पास से दिखा, ये पूरा पिसा हुआ माल निकला। आ जा भाई देखते हैं कौन सा कलर है। भाई प्लीज इधर देखिएगा, अब ये मिला रहे हैं, आ जाओ ये देख, ये मिला रहे हैं अपन, ये देखो अब लगाते हैं। ये कौन सा भाई? पर्पल। पर्पल है? हाँ। तो भाई ये देखो ये पर्पल कलर है पूरा हमारा लौंडा। दांत दिखा दे एक बारी, एक बारी एक्शन कर दो। अब ये सिल्वर वाला भाई कहाँ जा, आ जा सिल्वर तो चेक कर लेते, अब सिल्वर चेक कर रहे हैं। ये देखो सिल्वर, सिल्वर ऐसे निकलता है, पर देखते हैं। आजा भाई काम तमाम। ये सिल्वर है भाई, ये देखो कितना भयंकर है सिल्वर। आजा भाई अब सिल्वर लगाते हैं, आग बंद कर ले। देखता नहीं छूट गया भैया, मुझे तो रस पोंछ ले, अब खाने जल्दी धो ले। अब ये सिल्वर है, एक बार रिएक्शन हो जाए। अब और देखते हैं और क्या है भाई इसमें, सुमन का और कलर है भाई। भैया रहने दो फटेगा, मना कर रहा भैया। ये सुमन का करते हैं, आजा चेक तो करें क्या ये नहीं समझा का नाम नहीं है। ये देखिए घर पे दिक्कत हो जाएगी इसके। ओह नो, बड़ा ही कालिंगा लगी रही है ये। हां कल का पेपर है। अरे कट ना होगा यार, मैडम को ब्लॉग दिखा दियो, मैडम को हो जाएगी यार। हेलो भाई, एक बारी और एक्शन हो जाए भाई। ये हमारा लंडा भाई, ये कलर है भाई, कलर भाई ऐसे आप देखते हैं भाई कितने पक्के कलर है क्या। यही तो प्रॉब्लम है। अरे ये तो ऑर्गेनिक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गुलाल है, गुलाल के कलर देखते हैं। हनुमान जी के, हनुमान जी बना दो, ये ले ये। तो भाई लौंडे ने पूरी बढ़िया वीडियो बनवाई है। तो भाई ये इनका स्टेज था, एक बार एक्शन और हो जाए। तो भाई ये था सारा स्टेज इनका, देखते हैं भाई छूटता कि नहीं छूटता। साबुन चाहिए भाई लाला? साबुन ये रहा पीछे, ये रहा दे। तो भाई ये सीन है सारा, पूरा हाथ देख लो भाई, अब ये लौंडा ना पूरा नहा रहा भाई, दिखाइयो भाई मुंह मैल मैल। भाई इसकी तो बुरी हालत होगी भाई, इधर आइयो एकदम सफेद दीवार पे आ। हाँ अब करियो। बढ़िया लौंडे, काने की काना की भी मुंह की चेहरी बदल दी, दिखाइयो दिखाइयो काना काना के लगा तू गया गए ये यहाँ पर, और मार दूंगा काना। ये नहीं नहीं कपड़े बंद हो जाएंगे। बस 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 भाई कले सो रही है, वो रो रहा है बेचारा, कह रहा है मेरे लगा दिए इसके नहीं लगा, रो रहा है बेचारा। अच्छा रो क्यों रहा है? इसके लगाओ पहले तो, इसके लगाओ। उससे क्या खुश हो जाएगा तू? पक्का पक्का खुश हो जाएगा? नहीं मैंने क्या पागल बनने का नाम
हाँ भाई बाथरूम में नहा रहा है, इसका कलर नहीं जीने में खड़ा है, बच्चे कपड़े लेके भागे, अम्मा इसके कपड़े लेके भागे, चड्डी में खड़ा है उसके कपड़े का के भाई ने खूब रगड़ के धोया, निकला नहीं भाई है। तो भाई लौंडा जा रहे, जाते जाते एक बारी और, ये वो क्या नाम क्या दोस्त तेरा पीछो लक्ष्य को, आराम से जाइयो लक्ष्य, कल एग्जाम है तेरा, पढ़ रखा है तूने है, चल भाई बेस्ट ऑफ लक, चल मिलते हैं दोस्त कल, कल आएगा ना कह रहा है भाई यार राइड लेने आया, सुनो कह रहा भैया आया मुझसे की राइड लेने आया था, और क्या कर दिया आपने तो भाई मानना पड़ेगा कलर तो भाई ओके की रिपोर्ट पक्का था, खूब रगड़ा बंदे ने, साबुन से रगड़ रहा था कच्चे भाई, कलर ही नहीं निकला बंदे का भाई, भाई मजा आ गया, कल और दिखाऊं, कल मैंने बुलाया उसको, देखते कल नहा के निकलेगा तो कैसा होगा। तो भाई अभी अपन निकलने वाले हैं स्पीति के लिए, विंटर स्पीति मारने वाले -30 डिग्री में, और उसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स मंगाए थे कैंपिंग के लिए थार की, तो वो बना रहा हूँ, अगला व्लॉग आज इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम करोल बाग, तो कल वाला व्लॉग जरूर देखना, और स्पीति की सीरीज आएगी अब से तो वो जरूर देखना, तो ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये ना यूजर नेम, क्योंकि वहां अपडेट में सबसे पहले डाल देता हूँ।